Hey guys, welcome to TV का तड़का, जिसमें क्विज फॉर टीवी रोजाना अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आता है टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज। क्या शमिता शेट्टी को पसंद करने लगे हैं करण कुंद्रा? कल हाल के एपिसोड में करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, अकाशा सिंह, विधि पांडे किचन में मौजूद थे। इस दौरान तेजस्वी करण से पूछते हैं कि क्या वो शमिता को लाइक करने लगे हैं। इसके जवाब में करण कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी उससे ठीक से बात भी नहीं की है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये कहने के बाद करण कुंद्रा जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनके साथ बाकी लड़कियां भी हंसने लगती हैं। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज। सामने आया तेजस्वी के नए वीडियो सॉन्ग का पोस्टर। यह तेजस्वी ने अपने नए वीडियो का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसका नाम है मेरा पहला प्यार। ये सॉन्ग काफी रोमांटिक होगा, जिसमें तेजस्वी के अपोजिट मृणाल दत्त नजर आएंगे। ये सॉन्ग 14 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज। सोशल मीडिया पर भिड़ी कश्मीरा शाह और रूबीना दिलेक, इस कारण मचा हंगामा। कश्मीरा शाह ने हाल ही में बिग बॉस का 15 सीजन देखना शुरू किया और उसकी तारीफें भी की, लेकिन तारीफ करते हुए कश्मीरा शाह ने बिना नाम लिए रूबीना पर तंज भी कस दिया। यह दरअसल कश्मीरा ने ट्वीट कर लिखा, अभी बीती रात का एपिसोड देखा और ये सीजन पिछले सीजन से बेहतर है। टीम, आपने दिलचस्प लोगों को कास्ट करके बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये लोग गेम खेलने में रुचि रखते हैं, ना कि योग करने और सेब खाने में। कश्मीरा के इस ट्वीट पर रूबीना दिलेक ने जवाब दिया, तुम्हें प्यार और ताकत भेज रही हूँ। रूबीना के इस ट्वीट पर जहाँ जान कुमार सानू भी उनके सपोर्ट में उतर आए, तो वहीं रूबीना के पति अभिनव ने भी कश्मीरा पर धावा बोल दिया। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज। सब टीवी के शो मैडम सर को लेकर आई बड़ी खबर। सब टीवी का पॉपुलर शो मैडम सर को पसंद करने वाली ऑडियंस के लिए अच्छी खबर आई है। खबर ये है कि ये शो अब दिन में दो बार टेलीकास्ट होगा, एक शाम 7:30 बजे तो दूसरी बार रात के 10:30 बजे। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज। कुंडली भाग्य फेम एक्टर धीरज धूपर को हुआ डेंगू। जी हां, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक धीरज ने शनिवार को खुद का टेस्ट करवाया और उनकी रिपोर्ट में डेंगू होने की जानकारी सामने आई है। उनके डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है और लिक्विड डाइट लेने की सलाह भी दी है। वेल, धीरज फिलहाल शूटिंग से दूर हैं और खुद को रिकवर कर रहे हैं। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज। विद्रोही के पहले एपिसोड से खुश हुए फैंस शरद की कर रहे जमकर तारीफें। शरद मल्होत्रा का न्यू शो विद्रोही रिलीज हो चुका है और पहले एपिसोड को देखने के बाद जनता शो में VFX, ग्राफिक्स, सिनेमेटोग्राफी की जमकर तारीफें कर ही रहे हैं। साथ ही पहली बार शरद को एक विद्रोही के रूप में देखकर जनता काफी खुश है। शरद की एक्टिंग, एक्सप्रेशन, लुक, हर छोटी छोटी चीज पर जनता प्यार बरसा रही है। टीवी का तड़का, सातवें रात्रि टॉप न्यूज। दिव्यांका को लगी चोट, तस्वीरें शेयर कर दिखाए निशान। दिव्यांका ने सेम पोज में बैठे हुए अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें से पहली तस्वीर एडिटेड है तो वहीं दूसरी तस्वीर में दिव्यांका के पैर में चोट के निशान नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ दिव्यांका ने बताया है कि उन्हें दाग छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें ये चोट कैसे लगी है। दिव्यांका ने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इन तस्वीरों को शेयर किया और बताया कि ये चोट उन्हें साइकिल एक्सीडेंट के जरिए लगी है। वक्त तो ये है टीवी की दुनिया की आज की सात छोटी बड़ी खबरें।